हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं संग्राम मूर्तिकार, मैं मूर्ति से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं मूर्ति में कैसे हाथ लगाया हूँ। बाकी दोस्तों, ऑलरेडी मैं इसका वीडियो बना के रख चुका हूँ, डाल चुका हूँ बना के। आप लोग वीडियो अगर ना देखे हों तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ कैसे क्या बनाया जाता है उसका भी लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और दोस्तों, मैं आज आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा, जो कि थोड़ा सा आज ये मेरा वीडियो कुछ ब्लॉगिंग टाइप में है, क्षमा चाहता हूँ। बाकी दोस्तों, कुछ बना के दिखा नहीं सकूंगा, फिर भी कुछ तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा ज़रूर। बाकी दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, कैसे क्या सब कुछ एंड तक। दोस्तों, सबसे पहले मैंने इसका वीडियो अभी डाला था, बैकग्राउंड का जो कि रबड़ मोल्ड, थोड़ा सा अंधेरा था दोस्तों, दिख नहीं रहा था। बाकी कैसे लगाया जा रहा है इसमें पीछे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक बांस दोस्तों, एक बांस मात्र, कम बांस में काम करते हैं, एक बांस मात्र खड़ा कर दिया हूँ ऊपर तक। बाकी दोस्तों, ये तो बैकग्राउंड का है। एक मूर्ति में दो पिन लगा दिया है, और एक ऐसे ठोके हैं पिन ऐसे शेर में ताकि ये लॉक हो जाए। इसमें जो कि जूट और ये पीओपी जो होता है ना, उसी को इसमें मिला के लगा देंगे दोस्तों। जैसा कि ये लोग देखिए, बांस ऐसे सिंपल मूर्ति था और इतने सारे मूर्ति में लगभग खड़ा हो गया दोस्तों। ये देखिए पीछे, और ये देखिए दोस्तों। बाकी दोस्तों, और ये हाथ को, हाथ का तो मैं अभी आपको बताया था कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले बार मैंने इसका बनाया था सांचा भी, और इसका जो कि वीडियो भी बना के डाला हूँ, कैसे क्या लगाया जाता है, सफाई सब कुछ, इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और दोस्तों, और इस साथ ही मैं आपको दिखा दूँ कैसे मैं इसको भर कर निकाल रहा हूँ। बाकी इसका भी लिंक उस वीडियो में डाला था, आप लोग ना देखे हों तो जाके देख लीजिएगा। देखिएगा, थोड़ी दूर से नीचे तक बांस मैं लगा दिया हूँ ताकि पहले ही सपोर्ट कर ले दोस्तों। और शेर का भी आप लोग वीडियो देखे ही होंगे, जो कि मैंने कई बार बना कर डाला था। और दोस्तों, अब की बार न्यू मॉडल में मैंने शेर का फेस बनाया हूँ, जैसा कि ये देखिए, बंद मुंह का शेर। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कैसा है ये मेरा शेर, एकदम गुस्से में लग रहा है, ख़तरनाक दोस्तों। और दोस्तों, ये खुला मुँह का शेर है। और दोस्तों, ये देखिए, इसी तरह मुट्ठी लगा के हम लोग एक लकड़ी लगा देते हैं, सेट करते हैं, उसके बाद सफाई कर देते हैं। बाकी दोस्तों, इधर तो थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा है। और दोस्तों, मैं एक नया डिज़ाइन आपको दिखाना चाहता हूँ, आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, देखिएगा। ये दोस्तों, बड़ा सा जो कि महादेव का फेस लगा दिया हूँ, शंकर जी का। ये देखिए, थोड़ा सा ये मेरा डिज़ाइन हट के लग रहा है, पहली बार मैंने नया डिज़ाइन बनाया हूँ। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन लग रहा है मुझे। और इसमें कई लोग ने बताया भी है कि भाई ये मूर्ति मुझे चाहिए, ये मूर्ति मुझे चाहिए। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मैं इसका वीडियो बनाया नहीं था, माफ़ी चाहता हूँ। बाकी समय बहुत लगा था थोड़ा थोड़ा सुखाने में, जो कि आप देख सकते हैं, जटा वटा बनाने में थोड़ा थोड़ा पैरा लगा कर मिट्टी से इसको पहले ढांचे के रूप में तैयार किया था, फिर भूसा मिट्टी लगा के, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि कैसे सफाई देते हैं। देखिए दोस्तों, भूसा मिट्टी है पूरा, जो कि थोड़ा हल्का वो है। बाकी इसमें फिनिशिंग वाली मिट्टी थोड़ा सा घोला बना के इसमें एक बार हल्का सा लगा देंगे, सफाई हो गई। और दोस्तों, ये भी भूसा मिट्टी है, भूसा मिट्टी में देखिए कितनी सफाई ले आया हूँ। बाकी आप लोग हाथ भी देखिएगा, हाथ मैंने लगा दिया हूँ। इसका वीडियो इसलिए नहीं बनाया, शायद मैंने पिछले बार इसका वीडियो बना के डाल चुका हूँ, तो इसलिए मैं बार बार वही वीडियो नहीं बनाना चाहता। बाकी इसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और दोस्तों, देखिए ये जो बैकग्राउंड मैंने बनाया था, ये उसी का डाई है, जो कि इसमें इस तरह मैंने बांस लगाया हूँ ताकि ये टूटे ना। और दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था ज़मीन से थोड़ा सा नीचे ऊंचा रहे, जैसे खड़ा करने में, ज़मीन पर निकालने में,
तो बैकग्राउंड में दिक्कत ना हो, तो थोड़ा सा बांस आप बाहर निकाल लीजिएगा, जो कि अगर आप खड़ा करेंगे बैकग्राउंड ज़मीन में तो पहले बांस ही अड़ जाएगा। और देखिए दोस्तों, थोड़ा सा चार चार अंगुल जो है ये बांस इधर उधर थोड़ा एक ही एक के ऊपर रख दीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे लोच ना मारे। और एक बीच में एक जॉइंट में ऐसे ऐसे जूट लगा दीजिएगा, और एक बीच में ऐसे, तो इसी को मैं पकड़ कर ये वाला बांस उठा कर खड़ा करूँगा। और दोस्तों, इसका वीडियो मैंने तो आपको दिखाया था, बाकी इसको भरा कैसे जाता है आप लोग देखकर अच्छी तरह समझ गए होंगे कैसे क्या भरा हुआ है, और बांस तो उभरा टाइप दिख रहा है। तो बाकी दोस्तों, ऐसे ही इसमें भर दिया जाता है, बाकी आप लोग एंड तक बने रहिएगा, इसको हम निकाल कर दिखाते हैं कैसे निकाला जाएगा। और दोस्तों, इसका मोल्ड डाई तो मैंने जो अभी इसके बाद इससे पहले मैंने वीडियो डाला था उसमें इसका लिंक डाल रखा हूँ, जैसे कि कैसे फर्मा ये बैकग्राउंड रबड़ मोल्ड का डाई बनाया जाता है, कैसे निकाला जाता है, सब कुछ फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। बाकी दोस्तों, कमेंट में बताइएगा कैसा, और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, एंड आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दोस्तों, कमेंट में लिखना ज़रूर, धन्यवाद।